हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियस टॉपिक पर जो आप एक दो दिन से देख रहे होंगे और पहले भी देखा होगा। तो साथियों, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं पीआरटी के बारे में। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि पीआरटी के साथ गलत होता आ रहा है काफी टाइम से, जो मैंने एनालाइज किया है। आपके क्या विचार हैं? मैं ऐसा नहीं किसी का पक्ष लेके बोल रहा हूं, लेकिन जो मैं एनालाइज कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो लगा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, सबसे ज्यादा बेरोजगार पीआरटी में है। सबसे पहले सबसे ज्यादा सीटेट एसटेट क्वालिफाइड भी पीआरटी में है। नंबर दो, इसके बावजूद भी बीएड को इंक्लूड करना गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, सभी ने उसको माना डिसीजन को, क्योंकि आपको पता है कि बीएड इंक्लूड करने से कितना कंपटीशन बढ़ गया उन पीआरटी वालों के लिए। इसके बाद अभी आप देख रहे होंगे केवीएस का जो कट ऑफ आई थी अभी, तो उसमें जो पीआरटी की कट ऑफ थी वो काफी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि कोई इतना आइडिया नहीं लगा रहा था कि जनरल की 95 के अराउंड तक कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि सभी का एक आइडिया था जो कट ऑफ है वो 87-88 तक रहेगी जनरल की, और इतनी रहती भी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो एनालाइज किया था वो गलत था, वो बिल्कुल सही था। पहले थी 5300 वैकेंसी, 5300 वैकेंसीज के अराउंड थी वैकेंसीज, जिनको केवीएस ने घटाकर 3000 कर दिया है। मैं मान रहा हूं उनके नोटिस में होता है कि वैकेंसीज बिना किसी कारण बताए घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन इतना 2000 के लगभग 2500 के लगभग वैकेंसीज को कम करना, 2500 का मतलब साथियों आप समझ रहे होंगे, मतलब कितना गलत है पीआरटी वालों के साथ। मैं किसी का पक्ष लेके नहीं, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इससे पहले आपने डीएसएसबी का भी देखा होगा, डीएसएसबी में भी बहुत बुरा हुआ पीआरटी वालों के साथ, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी वहां पे पैदा हो गई, अगर एक दिन एग्जाम हो जाता तो कुछ भी नहीं होता। इसके बाद अभी आप केवीएस में देख रहे हैं, मैं सोचता था कि इतने बड़े लेवल पे इतना गलत नहीं होता। अब उनके पास तो ये है कि हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2500 वैकेंसीज घटाना बढ़ाना ये कहां का रूल है। अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि आज कुछ साथी, मतलब आज कुछ साथी मेट्रो स्टेशन के वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, हालांकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने पोस्ट देखी थी इसका विरोध करने के लिए, हालांकि जो मुझे लगा वो ये बिल्कुल गलत है। तो साथियों, आप भी अपनी राय जरूर दें, और जो ये कट ऑफ आई गई है केवीएस की, ये इसी वजह से गई है कि वैकेंसीज कम कर दी गई है। अगर वैकेंसीज कम नहीं होती तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो भी 87-88 के अराउंड रहती, ओबीसी की 85 तक और एससी की 80 तक, 80 या 82 तक ये कट ऑफ रहती, क्योंकि आप समझ रहे हैं 2500 वैकेंसीज हटाने के बाद आप समझ रहे हो ये कट ऑफ गई है, अगर नहीं हटाते तो कितनी जाती कट ऑफ। और आपको पता है इसमें बीएड वाले भी हैं, तो ये बहुत गलत हुआ है, और देखते हैं क्या होता है। अगर कोई साथी स्टेप लेंगे, हालांकि सुनने में आ रहा है, तो आपको बता दिया जाएगा। गुड बाय, जय हिंद।